वेटेज क्या रह रहा है, क्या पेपर आ रहा है, किस तरह से आ रहा है। तो मैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात करता हूँ आपसे, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या हो रहा है वो देखें। अगर मैं आपको 2023 का बताता हूँ, तो 2023 में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बोले तो कौन कौन, इलेक्ट्रो, करेंट, कैपेसिटर, मैग्नेट, ईएमआई, एसी, ईएमडब्ल्यू, ये हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चैप्टर। इन 7 चैप्टर का वेटेज पिछले 3 साल में, 4 साल में क्या है वो देखें। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये वेटेज लिखा हुआ है 2023 में, देखें कितने सवाल आए, 18, 2022 में 17, 2021 में 20। ये पिछले 3 साल से जब पैटर्न चेंज हुआ है, पैटर्न चेंज मतलब समझते हैं, पहले आते थे 45 सवाल, अभी कितने चालू हो गए सवाल, 50। तो पिछले 3 साल में आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का वेटेज देखिए कितना ऑन एन एवरेज वेटेज आ रहा है, लगभग 18 से 19 प्रश्न आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं, करना क्या है, ये है एनसीईआरटी की क्लास 12 वॉल्यूम 1। कुल कितने चैप्टर है उसमें, 8 चैप्टर। 8 चैप्टर में से हमारे कितने प्रश्न मिल रहे हैं, हमें 18 से 19 प्रश्न मिल रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि भैया के वेटेज बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। और प्लस क्या है, ये आपको ठीक ठाक आते हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं पता हो। ओम्स लॉ पता है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पता है, फोर्स पता है, ईएमआई में लेंज लॉ पता है। अब हमें चीजें क्या करनी है, प्रैक्टिस करके बढ़िया करनी है। आप सोचो हम ओम्स लॉ लिखेंगे, वी बराबर आई आर, वो हमने पढ़ रखा है अच्छे से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रखा है, कूलम्स लॉ पढ़ रखा है। अब इस साल क्या टारगेट है, क्वेश्चंस ज्यादा करने, कंसेप्चुअली स्ट्रांग बनना है। जो लापरवाही पिछले साल या पिछले सालों में करी है उनको क्या करना है, कम करना है और चीजों को इम्प्रूव करना है। पेपर आपने देखा है, कट ऑफ अभी अभी आप देख रहे हैं 610, 615 पे भी राजस्थान में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है, मतलब टफ कॉम्पिटिशन है। बात टफ की नहीं है, बात यह है कि पेपर आ ही इतना सरल रहा है कि कहीं भी आपकी जरा सी गलती, जरा सी मिस्टेक एकदम से 200, 500, 1000 रैंक को क्या कर रही है, नीचे कर रही है। तो स्पीड के साथ साथ क्या चाहिए, एक्यूरेसी। आपको सब पता है पर आपको अच्छे से काम करने का समय आ गया है। अगर हम देखें कि सर आप जो अगले 2-3 महीने में पढ़ाएंगे तो इस इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का वेटेज क्या है, तो आप अगर वेटेज देखें तो मैं मान के चलता हूँ कि भाई 18 क्वेश्चन आए हैं, तो 18 डिवाइडेड बाय कितने क्वेश्चन है, 50 × 100। ये आप सॉल्व करेंगे तो लगभग आ रहा है 36%। 36% सिर्फ क्या रही है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हाईएस्ट वेटेज है पिछले 3 साल में। तो डे वन से हमें क्लियर होना चाहिए, हमें इसके ज्यादा न्यूमेरिकल करने हैं, ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। आप देखें पूरा पूरा ऑर्गेनिक या फिजिकल एक पूरे पोर्शन से ज्यादा है। ऑर्गेनिक फिजिकल या आईओसी की बात करें तो ऑन एन एवरेज 16-17 सवाल आते हैं, मतलब पूरा एक केमिस्ट्री का सेगमेंट जितना इंपॉर्टेंट है ऑन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, और इतना आसान है कि आप बड़े कंफर्ट जोन में पढ़ सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या है, लड़ाई क्या है, साल भर बच्चा क्या परेशान रहता है, पढ़ूं क्या, इसमें बड़ा डाउट रहता है। क्लास नोट्स पढ़ूं, फिर मॉड्यूल कर लेता हूं, फिर थोड़ा इधर उधर डाइवर्ट हो जाता हूं, यार वो वाली टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लूं, पेपर ज्वाइन कर लूं, कोई अलग किताब कर लूं, हॉस्टल में रह रहे हैं यार सर वो तो अलग किताब कर रहा है, वो कोई दूसरी किताब कर रहा है, वो मटेरियल कर लूं। तो हम साल भर पजल रहते हैं, अपने आप के गोल को हम डिफाइंड ही नहीं कर पाते, थोड़ा सा इस ट्रैक पे चलते हैं 1-1.5 महीने, फिर थोड़ा सा परेशान हो जाता है, अरे नहीं यार अब इसको अपना लेते हैं, फिर उस पर चलते हैं, फिर 2-2.5 महीने, फिर कुछ छोड़ देते हैं। इम्पॉर्टेंट है पहले 2 महीने तो आप सब मेहनत करोगे, पता है असली खेल कब शुरू होगा, लगभग 2-2.5 महीने बाद, जब सितंबर आ जाएगा, अक्टूबर आ जाएगा, उसमें से 90% बच्चे ट्रैक से हट चुके होते हैं। अगर आपने जो जोश अभी है, जो सिस्टमेटिक अभी है, अगर आपने उसको साल भर मेंटेन कर लिया तो दूर दूर तक कोई समस्या नहीं आएगी। पहले 2 महीने और अंतिम 2 महीने सभी बच्चे ऑलमोस्ट पढ़ते हैं जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं। बीच के जो 3-4 महीने है ना भाई,
वो थोड़े से गड़बड़ हो जाते हैं। अगर हमने अपने आप को वहां संभाल लिया, अपने आप को वहां कंट्रोल कर लिया, तो चीजें बहुत अच्छी हो जाएगी। तो प्रश्न वापस है कि पढ़ूं क्या, मेरा सोर्स क्या हो, क्या मैं अपने मॉड्यूल पे भरोसा करूं, या मैं पुराने पिछले साल के मॉड्यूल देखूं, या कोई और पुराने जहां से आप पढ़ा कर आए हो उसके मॉड्यूल करूं। तो बड़ा कंफ्यूजन सा रहता है और इसका प्रश्न हमें क्या सटीक नहीं मिल पाता। जब तक हम कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे। तो फिर इसका जवाब क्या है, सोर्स क्या है? तो भाई इसका जवाब मेरे और आपके पास नहीं है। इसके जवाब है पेपर में आता क्या है, पहले वो तो पता चले, उस हिसाब से मैं अपनी स्ट्रेटजी प्लान करूं। यूपीएससी की तैयारी अलग तरीके से की जाती है, क्लैट जो एनएलयू होता है उसकी तैयारी अलग तरीके से की जाती है। तो पेपर में क्या आ रहा है वो मुझे खुद बताएगा कि मुझे किस पैटर्न की तैयारी करनी चाहिए। पेपर में आता क्या है, किस तरह के सवाल आते हैं, एक बार वो चेक करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहला क्या क्लियर हो गया भैया, पढ़ना क्या है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। टारगेट अपने पास क्या है, 12th की वॉल्यूम नंबर 1, जिनके पास नहीं है वो खरीद लें। मोबाइल वाली पीडीएफ काम में ना लें, जो हार्ड कॉपी होती है ना उसका अलग ही मजा है। नई जो किताब आई है उसको फॉलो नहीं करना, अपन को तो कौन सी चाहिए, पुरानी वाली। नई वाली में क्या कुछ कुछ कट हुआ है, पर भी हम रिस्क नहीं ले सकते कि यार इस साल का पेपर नई एनसीईआरटी से आएगा या पुरानी से आएगा, क्योंकि वो अभी चेंज हुआ है। अब वो कब इम्प्लीमेंट होगा तो ये पता नहीं है। बोर्ड में तो नई एनसीईआरटी काम की है, पर कंपटीशन का भी क्वेश्चन मार्क है। हम नए के हिसाब से पढ़ाएं, बाद में पूरा पढ़ना पड़ जाए तो दिक्कत है। ज्यादा पढ़ने में कोई समस्या नहीं है, तो अभी ये भी एक लड़ाई है क्या नया पढ़े पुराना पढ़े। अभी हम रिस्क नहीं लेंगे, अभी हम स्ट्रिक्टली किसको फॉलो करेंगे, अपनी ओल्ड एनसीईआरटी। बोले तो सेशन 21-22 की या 20-21 की, वो लगभग सब एक जैसी है। तो पहली बात तो हमें इस पे चलना है। थोड़ा थोड़ा कट हुआ है, बिल्कुल कट हुआ है, एक एक दो दो टॉपिक सब में से कट हुए हैं, पर रिस्क नहीं ले सकते। जब ये नई एनसीईआरटी के हिसाब से 2-3 साल पेपर हो जाएगा तब हम उसको कंटेंट को कम कर देंगे, पर अपने पास अब 2-3 साल नहीं है। मेरे पास तो है, मुझे तो अभी 12-15 साल और पढ़ाना है, तो मैं तो अपने आप को चेंज कर लूंगा भाई, पर अपने पास अभी वो रिस्क वाला फैक्टर नहीं है। तो डे वन से ये बात क्लियर हो गई कि मुझे अपनी ओल्ड एनसीईआरटी को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। क्या बात, ये थम्स अप है। दूसरी बात, स्ट्रिक्टली मुझे इस पर अच्छे से फोकस करना है ताकि मेरा 36% तो बहुत ही मजे से कवर हो जाए। अब प्रश्न फिर से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है सर, सर एससीबी करूं क्या, मुझे 180 नंबर चाहिए सर, मॉड्यूल करूं क्या, ईएलपी करें क्या, पुराने नोट्स करें क्या? तो प्रश्न वही है, उत्तर भी वही है, क्या पेपर में आता क्या है, पेपर में आता क्या है वो चेक करते हैं, वो भी बताते हैं। ये सब 2023 का पेपर है, 18 प्रश्न इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के। मैं आपको 18 के 18 करके दिखा रहा हूँ, आज पढ़ाऊंगा नहीं, आज केवल गप्पे मार रहा हूँ आपके साथ कि यार हमें बेसिकली साल भर पढ़ना क्या है। अभी इलेक्ट्रोस्टेट तो पढ़ा ही दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर देखो तो सही पेपर में साल क्या आया था, एक बार आइडिया तो लगे। तो 18 के 18 सवाल मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, आप देखते रहिएगा मस्ती से, कॉपी को अंदर डाल लीजिए, बैग की चैन लगा के बंद कर दीजिए। आज सिर्फ गप्पे मारिए 1.5 घंटा, यार हो क्या रहा है, मैं पता नहीं क्या करके आ गया यार पेपर में, साला ऐसा इतना आसान पेपर था, क्या काटा कूटा करके आया, ब्लैकआउट हो गया, बायो पढ़ी तो कुछ गड़बड़ हो गया, फिजिक्स पढ़ी तो गड़बड़ हो गया। तो एक बार तसल्ली से देखते हैं कि पेपर में क्या आ रहा है, फिर आप खुद डिसीजन लेना कि मेरा सोर्स क्या होना चाहिए। ठीक है, तसल्ली से देखते हैं, पहला सवाल आपके सामने, आराम से देखिए, देखते ही बताइए क्या याद आ रहा है। क्या ये गॉस लॉ है क्या, पता है गॉस लॉ क्या होता है, याद करिए गॉस लॉ, इंटीग्रेशन ऑफ, खुश रहिए, ई डॉट डी ए, ये होता है फ्लक्स, और ये किसके बराबर होता है, क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है सबसे बेसिक। वो कह रहा है ई डॉट डी ए जीरो है, तो बताइए जीरो कब होगा, पहली संभावना या तो बॉडी के सरफेस के अंदर किसी तरह का कोई चार्ज एनक्लोज, गॉसियन सरफेस में कोई चार्ज नहीं हो, मतलब क्यू एनक्लोज क्या हो, जीरो।
पहला लॉजिक। दूसरा, कोई बॉडी है, हम क्लास में बताते हैं कि जितना फ्लक्स आ रहा है, अगर उतना ही फ्लक्स बाहर जा रहा है, इसका मतलब नेट फ्लक्स कितना है? जीरो। आप देखिए, कोई भी, ये देखिए, ये कोई सिलेंडर है, ये इलेक्ट्रिक लाइन्स आ रही है, यहां से फ्लक्स एंटर कर रहा है और यहां से क्या कर रहा है? लीव कर रहा है। जितनी लाइन्स एंटर कर रही है उतनी लाइन्स लीव कर रही है। एंटरिंग फ्लक्स होता है नेगेटिव, आउटगोइंग फ्लक्स होता है पॉजिटिव, टोटल फ्लक्स कितना हो गया? जीरो। बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा? पहला, नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन लीविंग इट। कोई न्यूमेरिकल नहीं है, केवल और केवल थ्योरेटिकल प्रश्न है। किसी सरफेस में जितनी फ्लक्स लाइंस एंटर होंगी उतनी फ्लक्स लाइंस बाहर निकलेंगी। या एक और हो सकता था, उस सरफेस के अंदर चार्ज एनक्लोज कितना हो? जीरो। चार्ज एनक्लोज का ऑप्शन है पर उसने गलत लिख दिया, ऑल द चार्जेस मस्ट नेसेसरी इनसाइड। नहीं भाई, इनसाइड तो चार्ज कितना होना चाहिए? जीरो। तो दो संभावनाएं, इनसाइड चार्ज जीरो हो या जितनी एंटर हो रही है उतनी ही क्या हो जाए? लीक। बोलो क्या पहली बात क्लियर है क्या? चलो आगे देखते जाते, अगला क्वेश्चन देखिए। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और टॉर्क है, तो हम टॉर्क का सभी फॉर्मूला जानते हैं, किसी को याद हो बोलो, पीई साइन थीटा, टॉर्क बराबर पीई साइन थीटा। डाइपोल मोमेंट को कैसे खोलते हैं? कोई भी एक चार्ज इंटू दोनों चार्जों के बीच की दूरी, तो टॉर्क। अब देखिए पढ़ते हैं सवाल, डाइपोल इज प्लेस एट एन एंगल ऑफ 30, थीटा कितना? 30। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी बताओ ये क्या दे रखा है? ई, 2 × 10^5। टॉर्क, टॉर्क कितना है? 4। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्यू पूछा है, लंबाई, लंबाई 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है तो किसमें कन्वर्ट कर दें? मीटर में, तो 4 क्यू, 2 × 5 में से 2 गया 3, साइन 30 कितना? हाफ, और एक 2 और, 2 से 2 कैंसिल, ये नीचे जाएगा, 4/2, 2, 2 × 10^-3 का मतलब मिली कूलम, -6 होता तो माइक्रो, -3 है तो सीधा फॉर्मूला बेस। आप 18 सवाल देखिएगा और एक जिस कंक्लूजन पे पहुंचे वो नोट करिएगा कि यार कंक्लूजन क्या निकल के आया, लड़ाई किस लिए कर रहे हैं? लड़ाई हम एक प्रश्न का जवाब ढूंढ रहे हैं कि मेरे साल भर पढ़ने का सोर्स क्या होना चाहिए, मैं क्या पढ़ूं जिसमें 100% कॉन्फिडेंट रहूं कि पेपर उसी में से आता है। तो पहले ये देखना पड़ेगा कि पेपर में आ क्या रहा है। क्या ये क्लियर है क्या? टॉर्क का फॉर्मूला पी साइन थीटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रोस्टैटिक का सवाल, ठीक है साहब। अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है? पोटेंशियल निकालना है पॉइंट पी पर। आपको याद है कोई अकेला चार्ज कितना पोटेंशियल देता है? बोलो, वी बराबर के क्यूब आर। किसी अकेले चार्ज के कारण पोटेंशियल वी बराबर के क्यूब आर। बिंदु पी पर कौन कौन पोटेंशियल देंगे बताइए? दोनों देंगे, क्यू भी देगा और माइनस क्यू। क्यू की दूरी बताओ, यहां से 5, ये 3, तो ये 2, तो इस प्लस क्यू के कारण पोटेंशियल, कोशिश करिए क्या होगा? के क्यू बाय दूरी, दूरी 2 सेंटीमीटर है तो किसके कारण आ गया? प्लस क्यू। माइनस क्यू की दूरी बता, 5 यहां तक 3 ये, तो ये दूरी 8। बताओ माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण बोलिए के माइनस क्यू बटे पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, सीधा ऐड हो जाएगा, कर दीजिए के क्यूब 2 × 10^-2 माइनस के क्यूब 8 × 10^-2। कॉमन बोल, कॉमन बोल, के क्यू बटे 10^-2, 1/2 − 1/8। एलसीएम बोलो, एलसीएम बोलो, 8, 2 का पहाड़ा 4,
चार में से गया, 3/8 के क्यूब, 3/8 के क्यूब, 10^2 मल्टीप्लाई में है, ये रहा आंसर है 3/8। वापस देखिए फॉर्मूला बेस सवाल, सीधा V बराबर के क्यू बाय आर। इलेक्ट्रो के तीन सवाल थे, तीनों चेक करो, तीनों चेक करो। पहला फॉर्मूला बेस गॉस थ्योरम, दूसरा इलेक्ट्रिक डाइपोल टाउ बराबर पी साइन थीटा, तीसरा V बराबर के क्यू बाय। कोई नोट्स ऐसे नहीं है किसी भी अध्यापक के, चाहे आपने स्कूल लेवल में पढ़ाओ, चाहे अचीवर में पढ़ाओ, चाहे मास्टर प्रो में पढ़ाओ या अपने स्कूल लेवल पढ़ाई करो, ये तीनों फॉर्मूले हर टीचर की कॉपी में है। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि अलग से कोई टीचर के पीछे भागने से कुछ नहीं होता। हम सोचते हैं यार ये टीचर पढ़ा देगा, वो टीचर पढ़ा देगा, ये हमारा एक दिमाग का परसेप्शन है। पेपर का लेवल देखिए, सीधे सीधे आपने जहां से भी पढ़ाई करी है ना, अगर आपने सीरियस पढ़ाई करी है, ये तीनों सवाल हर टीचर की कॉपी में मिलते हैं। टॉ बराबर पी साइन थीटा, वी बराबर के क्यू बाय आर और गॉस थ्योरम। मैं भी पढ़ाता हूं तो सबसे पहले गॉस थ्योरम पढ़ाता हूं, पोटेंशियल पढ़ाता हूं, डाइपोल पढ़ाता हूं। तीन सवाल सीधे सीधे फॉर्मूला बेस। इलेक्ट्रो के कितने मिल गए भाई? 3। चलते जाओ आगे, देखते जाते हैं आज। अगला देखिए, ये चालू हो गई सब करंट इलेक्ट्रिसिटी। टेम्परेचर देखते ही आपके पास याद आना चाहिए था फॉर्मूला, आर टी बराबर आर नॉट 1+α∆T। रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ डिपेंडेंसी, आर नॉट 0 डिग्री पर, 0 डिग्री पे बताइए कितना? 2 ओम। टेम्परेचर टी पर कितना? 6.8। 1+α पता नहीं, टेम्परेचर 80-0 खत्म। 2 को नीचे ले जाओ, 6.8/2 1+α×80 ये कितना? 3.4। 1 जाएगा तो 2.4, α×80 अल्फा 2.4/80। पॉइंट हटेगा नीचे कितना? 10। 8 * 24, 3×10⁻¹। कैलकुलेशन का लेवल देखिए आप, बिल्कुल आसान कैलकुलेशन, कहीं कोई फंसने वाली कैलकुलेशन नहीं आती, बहुत उलझुल कैलकुलेशन नहीं आती। इसको भी नोट करते जाइए। आज जो 1.5 घंटा दे रहे हैं आपको, मैं सोर्स बता रहा हूं कि यार मुझे साल भर किस ट्रैक पे दौड़ना है, मुझे कहां फेद करना है। ये देखिए आप, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाया, वैल्यू डाली, कहीं पचड़े में नहीं पड़े, आंसर आ गए। चलिए करंट का ये पहला सवाल है, क्या फॉर्मूला बेस है? आगे देखते हैं, अगले क्या कह रहा है। 10 रेजिस्टेंस हैं, पहले किस में लगाए गए? सीरीज में। बताओ सीरीज में कितना आंसर? सीरीज में बताइए 10 आर, 10वीं क्लास। बैटरी है ई की। करंट बताइए, करंट ओम्स लॉ, वी बाय आर, ई बाय 10। ये पहले, बाद में किसको लगा दिया गया? पैरल, पैरल में चिल्लाइए आर बाय 10। पक्की बात है, बैटरी वही ई, नई करंट हो गई एन आई, करंट कितनी इंक्रीज हो गई? एन आई, ये एन आई। ओम्स लॉ लगाइए फिर से, करंट बराबर V बाय आर, वी ई, आर बताइए आर बाय 10, तो एन आई ई, 10 कहाँ जाएगा घूम के? ऊपर। आई की वैल्यू रख दीजिए, आई की वैल्यू ई बाय 10 आर, ई 10 आर, आर से आर, ई से ई, 10×10। लेवल तो देखिए प्रश्न का, 10वीं क्लास, कहीं इसमें कोई 12वीं का विज्ञान नहीं लगाया है। सीरीज में आंसर 10R, पैरेलल में आंसर R बाय 10। 1 मिनट से अंदर सॉल्व हो रहा है, इतना तसल्ली से डायग्राम बनाकर गप्पे मारते हुए। तो दिमाग हमें बहुत फंसाना नहीं होता, हमें लगता है कि हम बहुत जल्दी जल्दी करें। माइनर टेस्ट में बच्चा, मैं इतने सालों से कह रहा है, सर सिली मिस्टेक होती है, सिली मिस्टेक होती है। भैया सिली मिस्टेक नामक कोई चीज नहीं होती। आप सबसे बड़े बेवकूफ हो कि अगर आपका बी आ रहा है और आप सी टिक करके आ रहे हो, इससे ज्यादा बेवकूफी क्या हो सकती है भाई। कि सर मेरा आंसर आ जाता है, मैं गलत टिक कर आता हूँ,
मेरी कैलकुलेशन गलत हो जाती है। आप माइनर में करते हो हड़बड़ी से पेपर सॉल्व, जबकि पिछले 20 दिन जब पढ़ाई होगी इतनी हड़बड़ी से आपने घर पर पढ़ते ही नहीं हो। आप घर पे करते हो रिलैक्स होकर, घर पर भी आपको उसी स्पीड से सॉल्व करना चाहिए। आप एक्सपेरिमेंट करते हो माइनर में जाकर, माइनर कोई एक्सपेरिमेंट करने की जगह थोड़ी ना भाई। आप घर पे कर रहे हो रिलैक्स होकर, आराम से समय देकर। घर पर भी टाइम बाउंड करो ना कि मुझे 25 सवाल करने हैं, मुझे आधे घंटे में करने हैं, ये मुझे 40 सवाल करने हैं, ये 1 घंटे में करने हैं। तो उसमें तेज तेज पढ़ना, जल्दी समझना, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो टाइम बाउंड प्रोग्राम है, आराम से आप ये कर सकते हो। आगे देखें अगला क्या कह रहा है भाई साहब, कलर कोडिंग। हमेशा कहते हैं कलर कोडिंग का सवाल आता है, याद है किसी को? बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, याद है? फिगर, फिगर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 0 1 2 3 4 5 6, मल्टीप्लायर, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1। अब ये लिखा हुआ है 22,000, हजार मतलब 10 की पावर 3, ±5%। पहला फिगर लेते हैं, दूसरा भी फिगर, ये क्या है? मल्टीप्लायर। भाई ने यही पूछा है, बताओ तीसरा कलर कौन सा है? ये पहला कलर, ये दूसरा कलर, ये तीसरा। 10 की पावर 3 बताइए किसमें है? 10 की पावर 3 ऑरेंज। 1 मिनट में आराम से टेबल भी बन रही है, तसल्ली से सॉल्व भी हो रहा है, आराम से उम्र भर पा रहे हैं। सीधा यही पहचानना था कि मल्टीप्लायर कौन सा है। 10 की पावर 3 किसमें आती है? ऑरेंज। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का तीसरा सवाल है। आप देखो कितना जबरदस्त वेटेज है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। किरचॉफ, आप साल भर किरचॉफ कैसे ऊट पटांग सवाल करते हो। हम हमेशा क्लास में कहते हैं वो कभी किरचॉफ में टेढ़ा सवाल पूछता ही नहीं है, ट्रैक रिकॉर्ड है। पर क्या है, किताबों में नोट्स में सवाल करते करते हम इतने ज्यादा टफ लेवल पे ले जाते हैं। ये देखिए बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल सवाल आया है और 5 बार आया है। सीधी उसने क्या पूछी है? करंट। आप मौखिक भी कर सकते थे अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस करी है। देखो मौखिक, ये 10 और ये 5 अपोजिट है या सपोर्ट कर रहे हैं? देखो ये वाली करंट प्लस वाली किधर देगा, जबकि ये इधर देगा। दोनों लड़ाई लड़ेंगे, जीतेगा कौन? 10, मतलब करंट जाएगी इधर से, करंट जाएगी इधर। क्यों इधर कैसे गई बताइए, क्यों गई? करंट जो बैटरी बड़ी होगी वो जीतेगी। 10 वोल्ट बड़ी है, 5 वोल्ट छोटी है, 10 वोल्ट की करंट इधर है, 5 की इधर है, जीतेगा कौन? 10। ये आ गई करंट। नेट बताइए कितना बचेगा? 10 माइनस 5 5 डिवाइडेड बाय, सारे रेजिस्टेंस सीरीज में है क्योंकि करंट के पास एक ही रास्ता है। जोड़ दीजिए 2 3 और 7 10, 5/10.5। कहां से कहां? ए से डी, ए से बी, थ्रू ई, 0.5। क्वेश्चन देखो तो सही आप, मतलब 180 में से 180 क्यों नहीं लाए जाए, क्यों 130 140 की सोच रख रहे हो? पेपर ऐसे आ रहे हैं 180 में से 180, और ला रहे ना बच्चे 700 690 680 पर, हजारों बच्चे हैं 680 685 690 670 675, और बिल्कुल लाए जा सकते हैं। आप बताओ ना, अगर आप मुझसे इस पे बात कर लो कि सर क्यों नहीं लाए जा सकते, कहां मैं अपने आप को 150 पे रोक रहा हूँ? 150 रुकने का कोई मतलब ही नहीं है, मिनिमम टारगेट ही 170 175 का लेना चाहिए, क्योंकि पेपर में ऐसी कोई रॉकेट साइंस आई नहीं रही। ये मैं सिर्फ शब्दों में बोलता तो आप मानते नहीं, इसलिए ये सारी प्रिपरेशन हम करके लाए। यार बच्चे को बताए तो सही, यार तुझे पढ़ना क्या है, साल भर किस तरह से तुझे काम करना है। करंट के सवाल चल रहे हैं। अगला देखिए, फिर से करंट का सवाल, पांचवा सवाल है करंट का, पांचवा सवाल। ये ऑलरेडी मॉड्यूल में है, नीट में आया हुआ है, जेई मेन में आया हुआ है। वो क्या कह रहा है? इसमें करंट नहीं जा रही, दो तरीके हैं, या तो आप किरचॉफ से करो। अगर इसमें करंट नहीं जा रही, मतलब ये 2 वोल्ट, क्या यहां भी 2 वोल्ट आएगा? क्यों? अगर पोटेंशियल सेम आ गया तो इस ब्रांच में करंट नहीं जाएगी। अब अगर किसी को वोल्टेज डिवीजन टेक्निक आता है, बताइए वोल्टेज डिवीजन टेक्निक पढ़ा हुआ किसी ने, आर के अक्रॉस चाहिए तो आर अपॉन टोटल
400 प्लस आर इंटू इंटू टोटल कितना है 10, और ये किसके बराबर है? क्या लगाया बताइए, वोल्टेज डिवीजन टेक्निक। ये नहीं आती तो भी चलेगा, फिर सर क्या तरीका होता है वो भी बता देता हूं आपको, वो भी बहुत आसान है, सिंपल सिंपल किरचॉफ लॉ लगा दीजिए। यहां से आई गया, यहां से आई आया, ये रुक गया, यहां यहां जीरो, मतलब सारा आई इधर ही चला गया। सीधा किरचॉफ लॉ लगा दीजिए, एक बार इसमें एक बार बाहर, दो इक्वेशन बनाएंगे आंसर आ जाएगा। ये चमकता है तो ये चमका सकते हैं, सीधा इसके अक्रॉस कितना वोल्ट आना चाहिए 2 वोल्ट। आइए सॉल्व करें, 2 × 5 = 10, कितना 5R बराबर 400 प्लस R, R को उधर ले जाइए, कितना 4R बराबर 400, R 400/4 कितना 100। अभी तक के सवाल में ये सवाल आप मान सकते थोड़ा ठीक था, बस बाकी सवाल को एक बार फिर देख लेना, चिल्लाते जाना, सीधा फॉर्मूला बेस, फॉर्मूला बेस, फॉर्मूला बेस, फॉर्मूला बेस, कहीं कहीं ऐसा सवाल ही नहीं आ रहा जिसमें दो कॉन्सेप्ट लग रहे हो। वापस सुनिएगा, कोई प्रश्न ऐसा दिखा ही नहीं जिसमें कॉन्सेप्ट दो हो, सिंगल कॉन्सेप्ट पे ही सवाल चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, देखते जाते हैं कब तक ये गाड़ी चलती है। आगे आइए, अगला क्या कह रहा है, अगला आ गया साहब करंट के बाद कैपेसिटर का। ये देखिए, ये ऐसा प्रश्न है जो किसी की कॉपी में नहीं है, इतना आसान है, मास्टर कराता ही नहीं, ये बच्चा तो खुद ही कर लेगा। ये देख, ये दोनों किसमें पैरेलल, 3 और 3 6, ये पैरेलल में, ये 6 और 3 किसमें सीरीज में, सीरीज में C1 C2/C1+C2, 3 × 6 3+6 18/9। क्यों गांव में पढ़ने वाला बच्चा सेलेक्ट नहीं हो सकता? बिल्कुल होता है, क्यों 30-30% बच्चा गांव से सेलेक्ट हो रहा है, कोचिंग की जरूरत ही नहीं है, हम ड्रॉप पे ड्रॉप किए जा रहे हैं भाई साहब, कोचिंग पे कोचिंग लिए जा रहे हैं और अटके पड़े। पेपर का लेवल देखिए ना, जो सीरियस एस्पिरेंट है वो बिल्कुल एनसीईआरटी पढ़कर भी 180 ला सकता है, आप सवाल देखते जाइए। ये देखिए ना सवाल, सीरीज पैरेलल का सवाल, और हम कैसे कहां टफ टफ क्वेश्चन किए जा रहे हैं, आप 12 कैपेसिटर लगे हुए हैं, 16 कैपेसिटर लगे हुए हैं, पेपर में आया है 2 पैरेलल में उसके साथ 1 सीरीज में, सीधा क्या बताइए सी इक्विवेलेंट, देखते जाएं। अब आ गया साहब मैग्नेट पर, मैग्नेट में क्या है साहब, एनर्जी पूछी है, बताइए मैग्नेट में एनर्जी इंडक्टर में, सभी को याद हो ½LI² खत्म, ½LI² ½L कितना 4 μH, करंट करंट 2² तो 2² 4 × 4 = 16, 16/2 8, कुछ गलत किया क्या, माइक्रो है तो -6, सीधा आंसर 8 μJ, 8 μJ। कैलकुलेशन कितनी जबरदस्त है, हैं बढ़िया, आराम से 40 सेकंड में मस्त सॉल्व हो रहा है, समय तो 1 मिनट मिलता है, इतना आराम से सॉल्व हो रहा है वैल्यू पुट करके। केवल हड़बड़ी, हड़बड़ी अत्यधिक प्रेशर वो आपको डाउन करता है, तो आपको बहुत काम होकर पेपर रखना है, सारे माइनर, कभी समय की कमी होती नहीं है, अगर आप साल भर अच्छे से पढ़ेंगे कभी कमी नहीं होती। हम इतने बच्चों से बात करते हैं, वो कहते हैं सर हम 2.5 से 2.5 घंटे में पेपर पूरा पढ़ लेते हैं, जितना हमें आता है उतना हम कर लेते हैं। जिन्होंने साल भर पढ़ाई करी है, पेपर दिया, आप बताइए समय की कमी नहीं रहती, आप पूरा पेपर आराम से पढ़ सकते हैं, पूरा पेपर में जो जो आपको आता है वो आप बहुत तसल्ली से कर सकते हैं, कहीं कहीं दूर दूर तक समय की कमी नहीं है, अगर साल भर पढ़ाई करी है तो। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, याद करिए मैग्नेटिक लाइन्स हमेशा क्लोज लूप बनाती है। क्लास में लिखा है हर बच्चे को कि भाई देखो नॉर्थ से साउथ जा रही हूँ, साउथ से नॉर्थ, हमेशा क्या बनाती है क्लोज लूप, हमेशा क्लोज लूप, हमेशा मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या बनाती है क्लोज लूप। अगर आप इसमें कोई भी सरफेस लेंगे, कोई भी सरफेस लो, ये आपने सरफेस लिया, जरा चेक करो, जरा चेक करो, जितनी लाइन्स एंटर कर रही है उतनी ही लाइन्स क्या कर रही है लीव कर रही है।
कैसी भी टेढ़ी मेढ़ी सरफेस ले लो आपकी इच्छा हो, जैसा पेन चल जाए, जैसा पेन चल जाए, जितनी एंटर होंगी उतनी ही क्या करेंगी, लीव करेंगी। इसलिए कहा जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस से हमेशा क्या होता है, जीरो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होता, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में तो क्या है, ये प्लस क्यू वन है, ये प्लस क्यू टू है, तो प्लस से लाइन निकलेंगी, इस वाले प्लस से भी निकलेंगी। तो अब देखिए इस सरफेस से केवल लाइंस क्या हो रही हैं, निकल रही हैं। अगर माइनस होगा तो केवल लाइंस अंदर आएंगी, पर मैग्नेट में तो क्या है, मोनोपोल एग्जिस्ट ही नहीं करता, अकेला क्यू और अकेला माइनस क्यू तो एग्जिस्ट करता है, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमेशा पोल्स का जोड़ा ही रहेगा, हमेशा नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ में टर्मिनेट होंगी और पूरा क्या बनाएंगी, क्लोज लूप। इसलिए कहा जाता है थ्रू एनी क्लोज सरफेस मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, जीरो, हमेशा हमेशा, क्योंकि लाइन्स ऑफ फोर्स क्या बनाती है, क्लोज लूप। आप कैसी भी सरफेस ले लो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में नहीं चलता, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में तो एक सिंगल आइसोलेटेड चार्ज एग्जिस्ट करता है, पर मैग्नेट में मोनोपोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा क्लोज लूप होती हैं और किसी भी सरफेस से नेट फ्लक्स हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, मैग्नेट का सवाल अगला देखिए साहब, ये भी बड़ा फेमस सवाल है, सब लोग क्लास में कितने ही डायग्राम वाले हम सवाल कराते हैं। अब बताइए पी पर कौन कौन देगा, कौन कौन देगा, तीनों देंगे, ये कौन सा वायर है बताइए, सेमी इनफाइनाइट, एक तरफ से इंफिनिटी दूसरी तरफ के बिल्कुल सामने, सेमी इनफाइनाइट का फॉर्मूला बोलिए, म्यू नॉट आई अपॉन 4πr। इसकी डायरेक्शन देखिए, करंट इधर जा रही है, रूल लगाएंगे तो कहां आएगा, इनवर्ड। सर इसका हो गया, इसका देखिए सेमी इनफाइनाइट वायर, म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, डायरेक्शन बताइए, अंगूठा इधर, क्रॉस, इसका भी हो गया। ये कौन है लाला, सेमी सर्कुलर कॉइल, सेमी सर्कुलर कॉइल बताइए, म्यू नॉट आई अपॉन 4r, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज में डॉट, पता दोनों क्रॉस को जोड़ लीजिए, डॉट को घटा दीजिए, आंसर एक बार में आ जाएगा। स्टैंडर्ड सवाल है, ऐसे बहुत सारे सवाल आपने कॉपी में नोट्स में कर रखे हैं, सिर्फ तीनों के क्या लेनी है, मैग्नेटिक फील्ड, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। आगे देखिए साहब, ये क्या आ गया, ये आ गया फोर्स का सवाल, आपको हमेशा कहा था फोर्स का सवाल आता ही आता है, फोर्स, फोर्स याद करिए, कंडक्टर है, अगर चार्ज होता तो क्यू भी साइन थीटा, वायर है आई एल क्रॉस बी। सर ये क्यों चमका, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड किस फॉर्म में दे रखी है, वेक्टर फॉर्म में, अगर वेक्टर फॉर्म में नहीं होती तो मेरे चमकता बी आई एल साइन थीटा, इसको मैं थोड़ा सा ठीक मान सकता हूं, पर सेक्शन बी में होता है तो पांच सवाल अपने पास है भी, पर ऐसा नहीं, करंट जैसा नहीं, सिंगल फॉर्मूला बताइए, आई एल बताइए, एल कहां है, एक्स एक्सिस में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो एल नहीं एल आई, बी बताइए, बी टू आई प्लस 3j माइनस 4, सीधा खत्म। अब बताइए आई क्रॉस आई जीरो, आई क्रॉस आई जीरो, आई क्रॉस जे, ये आई ये जे ये के, आई क्रॉस जे के, तो ये हो गया 3l आई क्रॉस जे के। अब बचा आई क्रॉस के, आई क्रॉस के उल्टा माइनस जे, ये माइनस हो जाए माइनस प्लस 4l जे, कॉमन ले लीजिए, i कॉमन l कॉमन, अंदर बचा 3k प्लस 4j, इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड अंडर रूट 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5i। सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, पर ये क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए, बेसिक मैथ वेक्टर शुरू कर रहे हैं आज परवेश सर। एक चीज समझिए, अपने मैग्नेट तो आपको अच्छा आता था फॉर्मूला, क्रॉस प्रोडक्ट में टक गए, सवाल गड़बड़ हो गया, इसलिए बेसिक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन डॉट क्रॉस इनका भी अपना इंपॉर्टेंस है। तो यहां से बातें समझ में आ रही है कि हमें करना क्या है, और देखिए चलिए साहब ये कौन सा सवाल आ गया, एसी शुरू हो गया साहब, एसी
सर्किट का क्या पूछा है? इम्पीडेंस। किसी को याद है जेड आरएलसी सर्किट सबसे फेमस, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का खत्म। आर कितना? 10। एक्सएल, एक्सएल होता है ओमेगा एल। ओमेगा को खोलें 2πf, 2πf बताओ 50, एल 50/π। कितना आपके लिए फेवरेबल है, आप यूं ही गाली देते हो एग्जामिनर को, देखो आप कितना बढ़िया दिया है, पाई से पाई भी कट रहा है भाई, पूरा सॉल्व हो रहा है। एक्सी, एक्सी होता है 1/ωc, ओमेगा को बोलो 2πf इंटू सी, 2πf 50c 10³/π। यहां भी इतना अच्छा दिया उसने, पाई से पाई कट रहा, पूरा सॉल्व होगा। आर पूरा सॉल्व, एक्सएल पूरा सॉल्व, एक्सी पूरा सॉल्व, तीनों की वैल्यू रखी आंसर। सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, आगे देखते हैं। ये देखिए साहब, इसने पूछा है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बताइए। कितने पॉपुलर सवाल आए हैं, कुछ भी ऐसा नहीं आया जो आपने साल भर कभी सुना ही नहीं। सबसे पॉपुलर सवाल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1/2π√LC। एल पता है, एल पता है, सी पता है, सॉल्व हो गया सब सवाल। एल भी पता है, सी भी पता है, वैल्यू डाली आंसर आ गया। एक भी सवाल अभी तक ऐसा नहीं आया, कोशिश कर रहा हूं कि कोई ऐसा सवाल आ जाए जिसमें दो दो तीन तीन फॉर्मूले लगते हो, अभी तक ऐसा कोई सवाल पाया नहीं गया। देखते हैं कि ऐसा पाया जाएगा या नहीं जाएगा, देखते चलते हैं आगे। अब क्या कह रहा है साहब, एक सोर्स कनेक्टेड है और फ्रीक्वेंसी को आपने क्या कर दिया, कम कर दिया। तो एक्सी बराबर होता है 1/ωc, फ्रीक्वेंसी को क्या किया है कम, सोच ओमेगा कम तो एक्सी बढ़ेगा, एक्सी बोले तो रुकावट, और सोच अगर रुकावट बढ़ेगी तो करंट कम होगी। कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा करंट डिक्रीजेस। कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में जो करंट होती है उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। कितना आसान सवाल, फ्रीक्वेंसी को कम किया, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एक्सी बढ़ेगा, एक्सी बढ़ेगा तो करंट कम होगी, एसी का सवाल। ये आ गया साहब ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर है आइडियल। आइडियल पता है क्या होता है, जिसमें इनपुट पावर और आउटपुट पावर सेम होती है। वो कह रहा है एक बल्ब को लगा रखा है आउटपुट में, तो बल्ब की पावर बताइए 60, इनपुट पावर होता है वोल्टेज इनटू करंट। इनपुट वोल्टेज कितना, 220 वोल्ट पे काम कर रहा है, करंट पूछी है 60/220, 3/11, 11 × 22, 8 × 80, 11 × 7, 77, 0.27। कहीं कैलकुलेशन नहीं आ रही, आप ऐसे ही बोल देते हो सर मैथ टफ है, मेरी मैथ कमजोर है। मैथ आ कहां रही है, कौन सी मैथ आ रही है, आठवीं क्लास की मैथ, छठी क्लास की मैथ, ऐसी मैथ आ रही है, क्यों ही घबरा रहे हो। दसवीं में मेरे 50% है, मेरा क्या होगा भाई, कुछ नहीं होगा, बहुत अच्छे से तैयारी की जा सकती है। 12वीं के 50% या 90% कोई मैटर नहीं करता। आज t=0 है, आज अगर आपने ईमानदारी से पढ़ाई स्टार्ट कर दी तो काम बहुत अच्छा किया जा सकता है। पिछले साल से समय ज्यादा है, 17 जुलाई को पेपर शुरू हुए, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, तो अगस्त से माने तो महीने कितने मिले, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 7 से 7.5 महीने, 8 महीने खींचकर हर बच्चे को मिले, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ा हो। 8 महीने में 2 साल का सिलेबस कराना था, तो सुबह बुलाना, एक्स्ट्रा क्लास लेना, पढ़ाना, ये सभी की मजबूरी थी। पर इस बार ऐसा नहीं है भाई, पेपर तो मई के पहले सप्ताह में होगा, आज है जुलाई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, पूरे के पूरे कितने महीने हैं, 10 महीने हैं। लास्ट ईयर का अनुभव भी है, तो चीजें बहुत बेहतर की जा सकती हैं, इसलिए कहीं परेशान नहीं होना। समय की तो कमी नहीं है इस बार भाई,
समय तो अत्यधिक समय है, अत्यधिक समय है, मतलब कहीं एक बच्चा नहीं कहेगा समय कम है। आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, लास्ट ईयर पढ़ाई करी मजाक थोड़ी ना है। आपने बायो के कुछ चैप्टर आपको अच्छे आते हैं, केमिस्ट्री में थोड़ा ठीक ठाक है, फिजिक्स में कुछ कुछ चैप्टर अच्छे आते हैं, कुछ में ज्यादा मेहनत करनी, तो इतना समय पर्याप्त है कि हमें कहीं दूर दूर तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली। थोड़ा सा अपना एक प्लान आउट करना पड़ेगा। आइए 18वें क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट ये था ईएमडब्ल्यू का। ईएमडब्ल्यू का सीधा याद करिए, एक फॉर्मूला होता है सबसे पॉपुलर, ई बाय बी बराबर सी। पहले दिन ही बता देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। इलेक्ट्रिक फील्ड 48, बी पूछा है, सी 3×10^8, तो बी 48/3, 3 का पहाड़ा 16 10^-8, 1.6×10^-7। ये सब पूरे 18 सवाल हो गए, जो अपना टारगेट था कि यार इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आता क्या है। प्रश्न वापस उसी पर आते हैं, पेपर में आता क्या है। अब मेरे पास आधे घंटे में जवाब आ गया। सर सारे सवाल सिंगल कॉन्सेप्ट पर आते हैं, सिंगल कॉन्सेप्ट पर आते हैं। कोई भी सवाल ऐसा नहीं था जिसके लिए कुछ अलग से कोई मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं चार सोर्स रखूं, क्यों रखूं? कोई भी एक सोर्स, चाहे आपके 11, 12 के लोकल इंस्टीट्यूट का मटेरियल है वो भी बेहतरीन है, पर वो सोर्स मुझे पूरा आना चाहिए। सवाल देखो ना, एक भी सवाल ऐसा नहीं था जिसमें दो कॉन्सेप्ट लग रहे हो। सारे सवाल बिल्कुल बिल्कुल सीधे फॉर्मूला बेस, और ऐसी पूरी फिजिक्स की हालत है और पिछले 10 साल से ये चल रहा है। तो मुझे पहले आज इस पर निर्णय लेना चाहिए। सोर्स, जो एक सोर्स आपने पकड़ लिया, अगर मैं अनअकैडमी के मॉड्यूल कर रहा हूं तो मुझे अनअकैडमी के मॉड्यूल और ईएलपी पूरे पूरे कर लेने चाहिए। इसका आप 3 बार रिवीजन कर लोगे वो ज्यादा बेहतर है, बशर्ते मैं 6 सोर्स करूं, क्योंकि पेपर का आपने लेवल देख लिया, क्वेश्चन का तरीका देख लिया। तो आपको एक सोर्स अच्छे से करना चाहिए और उसको पूरा पूरा करना चाहिए। सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, आपको उसके सॉल्व एग्जाम्पल, आपको उसके इन चैप्टर जो एक्सरसाइज होती है, ये सारे आने चाहिए। और इसके साथ जोड़िए सबसे इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। मैं इन सभी सवालों की पूरे पेपर की मैंने मैपिंग करी है, तब ये बताऊंगा आपको पूरे 50 के 50 सवाल की मैपिंग। मैपिंग समझते हैं क्या होता है। ये सवाल एनसीईआरटी के इस पेज से लिया गया था, इस सवाल की प्रोफाइल इस सवाल से मैच करती है। 8 घंटे लगे मुझे उसमें, और मैंने पूरा मैपिंग कर दिया ताकि बच्चे को बता सकूं कि देख पूरी पूरी स्ट्रिक्टली क्या फॉलो करनी है तुझे एनसीईआरटी। सारे सवाल कि देख इस सवाल का सोर्स है पेज नंबर 232 का पहला पैराग्राफ, इस सवाल का सोर्स है सॉल्व एग्जांपल, ये सवाल आया है बैक एक्सरसाइज में से। 50 के 50 सवाल की मैपिंग करिए ताकि हम बच्चों को कॉन्फिडेंस दिला सकें कि भाई अगर तूने कोई एक चीज भी पकड़ ली और उस पर ईमानदारी से उसकी बार बार क्या कर ली, प्रैक्टिस कर ली, मामला कहीं नहीं रुकेगा। कोई हड़बड़ी की आवश्यकता नहीं है, कोई आपको रॉकेट साइंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसा जैसा आपको टीचर पढ़ाते जा रहे हैं उन पर फेथ रखिए। जितने यहाँ पढ़ाने वाले आएंगे, 12-13-14 लोग पढ़ाएंगे साल भर में आपको, सारे के सारे बंदे जबरदस्त हैं। अगर आपने उनको ब्लाइंडली फॉलो कर लिया कि सर ने जो बोल दिया, केमिस्ट्री में दुबे सर ने जो बोल दिया, YSY सर ने जो बोल दिया, TNM सर ने जो बोल दिया, अगर मैंने उनको 100% फॉलो कर लिया, पेपर वहां से बाहर नहीं जाएगा। बशर्ते आपको ब्लाइंड फेथ करना चाहिए और घर पर क्या करनी चाहिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस। साथ ही साथ ये अब ध्यान रख लीजिए कि भैया इसके बिना तो फिजिक्स में काम नहीं चलेगा। सर फिर एनसीईआरटी पढ़ूं क्या आज घर जाके? हाईलाइटर खरीद लेता हूं 3-4 तरह के और धमाधम हाईलाइट पे हाईलाइट, आवश्यकता नहीं है। ये नाटकबाजी चलती है बॉटनी जूलॉजी में, अपने फिजिक्स में एनसीईआरटी को ऐसे पढ़ा नहीं जाता। फिजिक्स में एनसीईआरटी पढ़ने का क्या स्टाइल है, जैसे मैं आपको पहला चैप्टर पढ़ा दूंगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, लगभग 8 से 10 दिन में होगा, वो 10 दिन लगते हैं। जब मैं 10 दिन पूरा पढ़ा दूं कि भैया आज मेरा चैप्टर पूरा हो गया, अब आपको ईमानदारी से उसके सारे सॉल्व एग्जाम्पल
और पीछे की एक्सरसाइज पूरी की पूरी कर लेनी चाहिए। एक दिन लगेगा, 25 से 30 सवाल है। फिर थ्योरी कैसे पढ़नी है, थ्योरी पढ़ी नहीं जाती, आपको सिर्फ देखने पड़ते हैं सारे पॉइंट्स कवर हो गए क्या, सर ने कूलम्स लॉ बता दिया, इसका ग्राफ बता दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज का ग्राफ, जितने ग्राफ दे रखे हैं वो सारे ग्राफ आपको आंखों से देख लेने चाहिए कि हाँ ये सब सब नोट्स में कवर हो गए। वो तो कवर होंगे, वो तो हमें पता ही, हम साल इतने सालों से ही काम कर रहे हैं, पर आपका भी कॉन्फिडेंस कैसे बढ़े। हाँ, सारे आर्टिकल आ गए, सारे ग्राफ आ गए, जितने पॉइंट्स हैं सब कवर हो गए, आपको आधा घंटा भी नहीं लगेगा पन्ने पलटने में, सारे आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि हाँ मैंने सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया। सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं सॉल्व प्लस एक्सरसाइज। अब सर एडिशनल करूं नहीं करूं, अगर आपके पास समय है और समय की कोई कमी नहीं है तो हमें एडिशनल करने ही चाहिए, कहीं कोई रुकावट नहीं है। नई वाली एनसीईआरटी में एडिशनल हटा दिए गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमें एडिशनल नहीं करने हैं, बिल्कुल करने चाहिए अगर मेरे पास पर्याप्त समय है। और सॉल्व और पीछे के एक्सरसाइज तो 100% मस्ट है। बोलिए क्या बात क्लियर है क्या, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। 100% एनसीईआरटी होनी चाहिए, बिल्कुल हमारे घर पर होनी चाहिए, जब हम आपको क्लास में मंगाएंगे चैप्टर खत्म होने के बाद आपको लेकर आनी है, उसके सारे सवाल करने हैं। ये आपको अलग कॉन्फिडेंस देता है, अलग लेवल का, कि यार मैंने साथ साथ पूरी एनसीईआरटी पढ़ी है, 8 चैप्टर हैं लिखा हुआ है, 12th वॉल्यूम 1 टोटल 8 चैप्टर, वेटेज 36% मुझे इस बात को ऐसा तैयार कर लेना है। और आपने आज 18 सवाल दिखा दिए इलेक्ट्रो के 3, अच्छा देखो आइडिया भी कितना अच्छा लग रहा है, कितना सिस्टम है, देखो आप इलेक्ट्रो कितना सिस्टमेटिक चीजें बनती हैं, टेढ़ी मेढ़ी बनने से कुछ है ही नहीं, आपको कितना आइडिया लगता है। देख इलेक्ट्रो देखो 3 सवाल आ रहे, करंट 4 से 5 में मामला बैठ रहा है, देखिए करंट 4 से 5, कितना आसान चैप्टर 4 सवाल दे रहा है, सीधा सीधा एसी कितना सरल, देखिए 2 से 3 मामला लगभग वही घूम रहा है। इसलिए देखो ना क्वेश्चन का एवरेज भी वही आ रहा है, 17-18 आ गए, 40% आ गया। इसका मतलब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स अगर मैंने मजबूती से कर लिया, इसकी एनसीईआरटी कर ली, तो अपना कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। क्या बात सही है क्या। तो ये एक आइडियोलॉजी है कि सर अब मुझे ना साल भर कैसे कैसे आगे बढ़ना है, मेरे फंडे क्लियर होने चाहिए, मुझे 10 सोर्स पे नहीं भागना। हाँ सर मैंने अनएकेडमी का मॉड्यूल कर लिया लास्ट ईयर, चलो जिसने पढ़ाई कर दी सर मैंने पूरा कर लिया, अच्छी बात है। उनके लिए फिर हम एक अलग सोर्स दे सकते हैं कि हाँ चलो भाई टेलीग्राम चैनल पे 100 सवाल और डाल दिए कि भाई तू इलेक्ट्रो के 100 सवाल और कर ले, बशर्ते तभी जब हमने अपना मॉड्यूल पूरा सॉल्व कर लिया। हम इधर उधर भागते रहेंगे तो परेशान हो जाएंगे, पहले आप अपने आप को कन्फाइन कर लीजिए, एनसीईआरटी पूरी तैयार, मॉड्यूल पूरा तैयार, सर अब समय है, अब बताइए थोड़ा सा और खुराक चाहिए, थोड़ा मुझे और चाहिए, मैं आपको 100 सवाल एससी वर्मा के छांट के उसको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नीट के अकॉर्डिंग जमा कर आपको दे दूंगा, अगर आपके पास समय है आप उनको भी सॉल्व कर लीजिए बस, पर बशर्ते हमारा जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो हमारा पूरा होना चाहिए। टेढ़ा मेढ़ा नहीं भागना है, एक सही पैटर्न पे भागेंगे बहुत अच्छा कर लेंगे, पेपर में ऐसा कुछ भी नया नहीं आ रहा है, 10 साल पहले भी यही पढ़ाते थे, आज भी देखिए पेपर में वही पूछ रहा है, ओम्स लॉ पूछ रहा है, किरचॉफ लॉ पूछ रहा है, मैग्नेट की एनर्जी पूछ रहा है, यू बराबर हाफ एल आई स्क्वायर, एल रखा ई रखा, ईएम वेव का सवाल देखा आपने, ई बाई बी बराबर सी, 6 बार रिपीट हुआ है वो, 6 बार आपके नोट्स देख लेना, यही वाला सवाल करवाया था कि ई बाई बी बराबर सी, 2 दे रखे होते हैं और तीसरा पैरामीटर पूछता है। तो थोड़ा सा समझिए, रिलैक्स रहिए कि यार मुझे बहुत अच्छा करना है पी सी बॉटनी जूलॉजी, रोज सारे विषय पढ़ने हैं, ऐसा मत करिएगा। अलग अलग थिंकिंग चलती है, हम बच्चों से पूछते हैं सर फिजिक्स कमजोर है, भाई फिजिक्स 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 ही पढ़े जा रहे हैं 10 दिन 12 दिन 14 दिन, ये बेकार स्ट्रेटजी है। चारों सब्जेक्ट रोज पढ़ोगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हाँ ये हो सकता है बॉटनी जूलॉजी आपका वो चैप्टर अच्छा है, आपने तैयार कर लिया पूरा, आप आधे घंटे में 45 मिनट में फ्री हो गए,
आप फिजिक्स केमिस्ट्री न्यूमेरिकल ज्यादा कर सकते हो, पर इनको अवॉइड करना भारी काम है, क्योंकि हम जो बैच पढ़ रहे हैं भाई, बैच थोड़ा सा सेंसिटिव है, बैच सेंसिटिव है, बैच है मास्टर प्रो, क्योंकि इसमें ना पूरी बायो नहीं है इस वाले में, तो क्या होता है, और बायो का वेटेज है भाई बहुत जबरदस्त, 360 मार्क्स का वेटेज है। तो अभी आपको जब बायो पढ़ाई जाएगी, इंसाफ सर, पीजी सर, गजेंद्र सर, जगदीप सर, वो आपको बता देंगे कौन कौन से चैप्टर पढ़ाए जाने हैं। जो चैप्टर नहीं पढ़ाए जाने हैं उनको साथ साथ में अपने लेवल पे तैयार करना है, नहीं तो फायदे की जगह नुकसान हो जाता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि भैया मुझे इसको पूरी तवज्जो देनी है, बॉटनी जूलॉजी ये आराम से मुझे 345 प्लस पे लाके रोकनी है, और बिल्कुल आ जाते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी से 2-3 सवाल बाहर आते हैं भाई, 10 सवाल छोड़ने का मौका है, 2-3 नहीं, कितने, 10, 5 बॉटनी की और 5, 10 सवाल छोड़ने का मौका है, 3 सवाल तेने गलत भी कर दिए, 4 गलत भी कर दिए, 5 चौक 20, तो अभी 340 पे आके गाड़ी रुकेगी। और ये भी पता है सर इसके लिए तो 5 शब्द बस, और केवल 2 वॉल्यूम, भाई फिजिक्स में तो 4 वॉल्यूम कर रखे हैं, 2 ग्यारहवीं की और 2, ये तो मुझे अभी पता चला 3-4 साल पहले ही कि बायो के 2 ही किताबें हैं। मैंने कहा ये भाई साहब नंबर दुगने, तो किताब होनी चाहिए थी 8 फिजिक्स की, 4 तो बायो की, पता चला बायो की है ही कितनी, 2 बार पता किया, कंफर्मेशन मिल गया कि हाँ 2 ही हैं, पूरी 11वीं की एक किताब है और पूरी 12वीं की 2 ही किताब है। तरीके से हमें एक एक पेज जो पढ़ाया जा रहा है 100% इसको फॉलो कर लेना है, इसमें तो कहीं दिक्कत ही नहीं है। फिजिक्स में, फिजिकल केमिस्ट्री में फिर हम परेशान होते हैं यार क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, इसलिए पेपर दिखाया आपको कि भैया कोई भी एक सोर्स पकड़ ले, इच्छा हो जो तेरी, पर वो सोर्स पूरा कर लेना है। ऐसा नहीं 2 चैप्टर इसके करे, 1 किसी किताब का किया, 1 किसी दूसरे मटेरियल का किया, उलझ जाओगे। इच्छा हो जो सोर्स पकड़ लो, पर उस सोर्स को शुरू से लेकर अंत तक साल भर पूरा करना है, और उसका क्या करना है, रिवाइज। इतना कॉन्फिडेंटली क्यों कह रहे हैं पेपर देखने के बाद, कि पेपर में ऐसी कोई प्रोफाइल ही नहीं है जो केवल मेरे नोट्स में हो, मैं बोलूं मेरे ही नोट से पेपर आता है, ये सब बेकार की बातें हैं। पेपर हमने क्या शब्द बोला था, आपने कहीं भी पढ़ाई करी हो, स्कूल लेवल पे भी पढ़ाई करी हो, वो बच्चा भी पूरे में से पूरे नंबर ला सकता है। देखे आपने क्वेश्चन, देखे जिसने केवल स्कूल लेवल पढ़ाई करी है, अच्छा सीरियस एस्पिरेंट्स है, जो बच्चे 180 में से 180 फोड़ सकता है। कहीं पेपर में ऐसा नहीं आया कि जो सिर्फ हम ही पढ़ाते हैं, या हमारे कोटा में ही है, या हमारे नोट्स में ही है, ऐसा एक भी प्रश्न नहीं आता। इसलिए बहुत हमें उलझने की आवश्यकता नहीं है। हैव फेथ कि यार मुझे आता सब कुछ है, बस मुझे प्रैक्टिस करके उसको क्या करना है, एक अच्छे लेवल पे ले जाना है। बोलो सही बात है क्या? ये बात हो गई सब बायो की। अब बात हुई सर मॉड्यूल्स की, तो मजे की बात है सब, हमारा भी सेकंड ईयर है। पहला साल हमारे साथ काफी बच्चे जुड़े, उन्होंने ऊपर नीचे अप एंड डाउन सब देख लिए। अब सेकंड ईयर है, बहुत स्मूथ है, पहले दिन ही आपको मॉड्यूल मिल जाएंगे सारे के सारे, 6 मॉड्यूल मिल जाएंगे एक साथ फिजिक्स में, 3 ग्यारहवीं के हैं और 3 बारहवीं के हैं, पूरे मॉड्यूल 3 ग्यारहवीं 3 बारहवीं मॉड्यूल पूरे अपडेट कर दिए हैं, काफी गलती कम हो गई है, बढ़िया मॉड्यूल बन चुके हैं। ईएलपी मिलेंगी आपको कल से परसों से, चैप्टर वाइज ईएलपी बना रखी है, जो हम जिस सरल भाषा जिसे बोलते हैं डीपीपी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। अब जैसे हमने चार्ज पढ़ा, कूलम्स लॉ पढ़ा, तो चार्ज और कूलम्स लॉ पर ही आपको 30 सवाल मिल जाएंगे, वो डेडिकेट किस पर है, चार्ज और कूलम्स लॉ पे, ये एडिशनल सपोर्ट है आपको। मॉड्यूल में तो 250 से 300 सवाल है ही, ये तो करने ही करने हैं, साथ में ईएलपी के थ्रू भी हम आपको 100 से 125 क्वेश्चन और दे देंगे, वो साथ साथ चार्ज पढ़ा सब चार्ज पे ही सवाल, कूलम्स लॉ पढ़ा कूलम्स लॉ पे ही क्वेश्चन ही क्वेश्चन, ताकि धीरे 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 आपका टॉपिक अच्छा होता जाएगा। एक नई चीज क्या कर रहे हैं, हर ईएलपी के नीचे 3 से 4 सवाल क्या होंगे, दूसरे चैप्टर के होंगे, दूसरे चैप्टर के,
जैसे दो सवाल डाल दिए साहब फोटो इलेक्ट्रिक के, दो सवाल डाल दिए ईएमआई के, ताकि क्या होगा आपको धीरे धीरे सारे चैप्टर पर पकड़ होने लग जाएगी। एक क्या होता है फोबिया हो जाता है कि सर मैं पुराना भूल गया, पुराना याद ही नहीं आ रहा। तो हमने क्या किया इस बार एक नई तरीका अपनाया है, हर ईएलपी के साथ साथ दो दो क्वेश्चन, तीन तीन क्वेश्चन किसी दूसरे चैप्टर के। वो भले ही आपने चैप्टर हमसे अभी नहीं पढ़ा, वो भविष्य में आएगा, पर जब हम ईएलपी डिस्कस करेंगे तो उसका आपको फॉर्मूला सिखाएंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा वो आपको चीजें याद होती जाएंगी। यार मैग्नेटिक फोर्स का सवाल दे दिया, अरे सर मैग्नेटिक फील्ड तो पढ़ा है नहीं। भाई तुझे याद है F बराबर BIL साइन थीटा, नहीं है वो तो याद कर लेगा। S के वेलोसिटी का सवाल दे दिया, अब S के वेलोसिटी पढ़ाएंगे उस समय भी याद करनी पड़ेगी, आज भी याद करेंगे √2gm/. तो ये छोटा सा एक नई चीज कर रहे हैं, आपको दो सवाल करंट इलेक्ट्रिसिटी के दे दिए, कभी दो सवाल कैपेसिटर के दे दिए। वो सवाल आसान आसान होंगे, वो सवाल नीट बेस होंगे, ताकि आपको धीरे धीरे आइडिया लगता जाए। जो आपका फोबिया है फिजिक्स को लेकर वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा एट रैंडम। मजे की बात कब है, ये फायदा कब देगा पता है, जब मैं करंट कैपेसिटर पे आ जाऊंगा। तो पता है मैंने कैपेसिटर की ईएलपी कैसे बनाई है, 7 सवाल तो कैपेसिटर के, 3 सवाल इलेक्ट्रो के, क्योंकि कैपेसिटर तक हमने इलेक्ट्रो करंट पूरा पढ़ लिया होगा। इससे आपको पता ही नहीं चलेगा, धीरे 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 पूरी फिजिक्स एट अ टाइम आपको याद हो जाएगी, क्योंकि कैपेसिटर के समय भी इलेक्ट्रो के सवाल आ रहे हैं, मैग्नेट के समय करंट के सवाल आ रहे हैं, ईएमआई के समय मैग्नेट इलेक्ट्रो करंट सबके सवाल आ रहे हैं। तो क्या होगा धीरे 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 आपको एट अ टाइम सारे फॉर्मूले दिमाग में सेट होते जाएंगे। तो जो डर होता है ना, वो डर धीरे 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 क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अच्छी प्लानिंग है, अच्छे से पढ़ना है, बस जिस डेडिकेशन से हम शुरू करें वो डेडिकेशन हमें साल भर क्या करना है, मेंटेन करना है। गलतियां नहीं करनी है, पहले 1-1.5-2 महीने आप सब पढ़ोगे, मुझे पता है बहुत अच्छे से पढ़ोगे, बहुत काम अच्छे से करोगे, सीरियस एफर्ट लगाओगे। 2 महीने के बाद खेल शुरू जब होगा, उसमें से हम उसके बाद 90% बच्चे इधर उधर हो चुके होंगे। बस अगर आपने वो अपने आप को बचा लिया, आप यकीन मानिए कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली। इसलिए रेगुलर पढ़ाई करिए, रेगुलर नोट्स बनाइए, किस तरह से क्या काम करें। आप पढ़े हुए हो, बड़े बच्चे हो, 4-5 साल पढ़े हो, कईयों को तो हमारे मास्टरों से ज्यादा एक्सपीरियंस है ना, ठीक है। फिर भी मेरी एक जिम्मेदारी है कि यार हमारे जो बच्चे हैं हम उनको एक सही गाइडलाइन दे सकें कि सर मैं मुझे फिजिक्स में नोट्स कैसे बनाने चाहिए। तो फिजिक्स में एक कॉपी तो आपकी क्लास कॉपी चलेगी, इसी में सारे नोट्स बनेंगे, कोई घर जाके फेयर रफ कुछ नहीं होता, वन शॉट में नोट्स बनाए जाते हैं। जो आपको लिखाया जा रहा है कॉपी में वही आपके क्या है, नोट्स। सारा सारा क्लास वर्क, क्लास के एग्जाम्पल, क्लास के क्वेश्चन आपको इसी में करने हैं। दीज आर फुल एंड फाइनल नोट्स। इसके साथ आपको एक पतली सी रफ कॉपी मेंटेन करनी है, बहुत मोटी खरीदिए मत, क्योंकि ये आपको लेकर भी आनी होगी हर दूसरे दिन तीसरे दिन जब डिस्कशन होगा। तो ये ज्यादा मोटी मत रखिए, 100 पेज भर जाएगी, 5 और आ जाएंगी, 100-150 पेज की। कैरी करना आसान होता है, बहुत मोटा रजिस्टर डाल लेते ना उसको कैरी करना कठिन हो जाता है। 100 पेज की डालिए, इसके अंदर मुझे NCERT करनी है, इसी के अंदर मुझे ELP करनी है, इसी के अंदर मुझे अपना मॉड्यूल करना है। बस जब भी करना है, मान लो कल होमवर्क दिया, परसों दिया, ऊपर डाला 5 जुलाई, यहाँ डाला ELP नंबर 1, सॉल्व करना चालू कर दिया। 10 सवाल के बाद सर ने मॉड्यूल के भी दिए थे, डाला ऊपर मॉड्यूल एक्सरसाइज नंबर 2, क्वेश्चन चालू कर दिए। इसी के बाद NCERT भी दे दी थी उसी दिन, कोने में लिखा NCERT चैप्टर नंबर, क्वेश्चन चालू कर दिए। बस कोने में एक मार्किंग करनी है, कोई ELP मॉड्यूल अलग अलग नहीं, एक ही में करिए, पर इसको मेंटेन करिए। जिसने ये कॉपी भर ली, ईमानदारी से कहीं दूर दूर तक दिक्कत नहीं आएगी। हमने ऐसे ऐसे बच्चे पढ़ाए हैं, देखे हैं, जो पहले अटेम्प्ट में इतने अच्छे नंबर के साथ सेलेक्ट होते हैं। कितने ही ऐसे बच्चे हैं, आपका दूसरा है तीसरा है कोई मैटर नहीं करता, आज भले ही सोच ले, आज के बाद
फिर इसको कभी अपने दिमाग में नहीं आने दें कि सर दूसरा अटेम्प्ट है, सर पहले ये था, सर ये तीसरा है, मत सोचिए। जब हमने निर्णय ले लिया कि मुझे MBBS ही करना है, मुझे BDS आयुर्वेद नहीं करना है, मुझे अपनी पूरी ऊर्जा के साथ पढ़ाई करनी है, अब दिमाग में कोई ओवर थिंकिंग पुराना विचार मत लाइए। अपने आज को T=0 मानिए। और एक बात और, 100% क्लास अटेंड करिए, ये भी बहुत जरूरी होता है। अभी क्या होगा, 1-1.5 महीने बाद थोड़ी थोड़ी होशियारी आने लग जाएगी। ये चैप्टर तो मुझे बॉटनी का आता है, मैं और ये चैप्टर इतने जबरदस्त घुले हुए हैं कि मुझे ये कौन पढ़ा सकता है, ये मुझे कोई पढ़ाएगा। आपने बैग टांगा और क्लास से चले गए। जिस दिन आपकी ये थॉट आ गया, यकीन मानिए उस दिन से आपका फॉल होना चालू हो जाएगा और वो आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए अपने आप से प्रॉमिस करें, मुझे एक भी क्लास अनएकेडमी की नहीं छोड़नी, एक भी सिंगल क्लास। मेडिकल इमरजेंसी अलग बात है, ये प्रॉमिस करेंगे अपने आप से तभी मजा आएगा। आपको लगेगा बीच में, अरे यार ये टॉपिक तो मुझे आता है, या एनिमल किंगडम, या कॉकरोच, या प्लांट डाइवर्सिटी, या इकोलॉजी, या कोई भी, ये तो मुझे आता है। यही आपकी गिरावट है, ये आप मान लीजिए। पढ़ना है, पूरा पढ़ना है, ईमानदारी से सुनना है। आता है बहुत अच्छी बात है, पर फिर भी आपको पूरे लेक्चर में 5-7 बातें ऐसी मिल जाएंगी जो आपको और इम्प्रूव कर देंगी। इसलिए ये अपने आप से प्रॉमिस करना कि भैया मुझे क्लास कैसी रखनी है, 100% अटेंडेंस। इस बात को अगर आपने फॉलो कर लिया, हमने इतने बच्चे देखे हैं, लास्ट ईयर एक इलाइट बैच आता है जिसमें केवल फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है, 5वां या 6ठा अटेम्प्ट था, वैसे तो नहीं बोलना चाहिए, फिर भी उसने 5-6 अटेम्प्ट किए, घर से ही बिहार से उसने पढ़ाई करी, कुछ फैमिली इश्यू या कुछ कंडीशन ऐसी नहीं, फिर वो कोटा आया 1 साल पढ़ने के लिए। परवेश सर ने उसको एक ही बात समझाई कि बेटा तू कुछ मत सोच, नए सिरे से पढ़ाई कर और 100% क्लास अटेंड करना, 100%। आप यकीन मानिए, कुछ कुछ टॉपिक ऐसे थे जिसमें 10 या 15 बच्चे ही क्लास में बैठते थे, हमने देखा, कैमरे से देखा, अटेंडेंस देखी उस बच्चे की, वो हमेशा क्लास में रहा, हमेशा। और कहां खत्म हुई यात्रा, 665 पर, इस साल 665। 6ठा अटेम्प्ट था, पिछले बार नंबर थे 315, 315 का कितने कर दिए, 665। ऐसे से उदाहरण है, इतने उदाहरण, आपको 10 उदाहरण दे सकता हूं। एक बच्चा हमारे पास था अभी कॉन्कर 1 में, पहला अटेम्प्ट था उसका, पहला अटेम्प्ट 670 पे जाके खत्म करिए यात्रा। और क्वेश्चंस एक एक दिन में 500 सवाल, 700 सवाल, कई बच्चे तो उसको देखे हुए भी होंगे, अभी मिलाएंगे आपको, विशाल नाम है उसका, अभी हमने उसके साथ एक वीडियो भी शूट किया है। एक एक दिन में 700 सवाल, 800 सवाल, कब, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में जाकर, और बिल्कुल हमारे जैसा बेसिक, आपके जैसा बिल्कुल, बस पुराना कुछ नहीं आता, पर जो पढ़ा दिया उसको इतना बार रिवाइज कर लिया कि उसमें से आप कुछ भी पूछ लो वो गलत नहीं होगा। तो 700, 710, 715 में हमारा योगदान नहीं है, हम अपनी पीठ थपथपाएं कि हमारी वजह से आए, ऐसा कुछ नहीं है। जो टॉप 10 रैंकर होता है वो बाय डिफॉल्ट टॉप 10 होता है, वो कहीं भी पढ़ेगा ना भारत में, उसकी 8वीं नहीं तो 5वीं, 5वीं नहीं तो 1ली, 1ली नहीं तो 10वीं, ये रैंक ऊपर नीचे होती है। लड़ाई तो वहां है जो 600 नंबर वाला है, 500 नंबर वाला है, वो मेहनत करके कहां जाए 670, 690, यहां मेहनत है। टॉपर्स की टॉप 10, टॉप 20 रैंक में टीचर का योगदान बहुत मिनिमम होता है, वो बाय जेनेटिक उसमें इतने चीजें हैं, 8वीं 9वीं 10वीं में इतनी अच्छी उसने पढ़ाई कर रखी है कि वो कहीं भी पढ़ेगा ना भाई, बहुत अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट होगा। लड़ाइए हम सबके साथ, जिसके 415 हैं, 570 हैं, 595 हैं, 540 हैं, कई बच्चों के हमने देखे अभी डेटा, 570, 580 वाले बच्चे वाले हैं, 605, 610 के पास हमारे पास 18 बच्चे हैं प्रो में, जिसके 610, 615 हैं, पर कॉलेज नहीं मिल रहा है। 14 जून वाला बैच ऊपर 506 है ना। तो फंडामेंटल ये बात है कि अपन को आज अपना T=0 मानना है। आज के बाद जितनी बातें करनी है आज कर लीजिए, जितना आपको अफसोस करना है आज कर लीजिए, जितना अपने आप को टाइट करना है आज कर लीजिए, पर आज के बाद अब फिर पुरानी चर्चा करने का कोई मतलब
नहीं है, पुराने नोट्स पुरानी कॉपी देखने का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल फ्रेश पढ़ाई करिए, फ्रेश शुरुआत करिए अच्छी ऊर्जा के साथ, माता पिता को एकदम बढ़िया मन में, फेथ में, कॉन्फिडेंस में लेते हुए कि नहीं यार मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है और पूरे मन से पूरे ईमानदारी से पढ़ाई करनी है। धीरे धीरे चीजें आप देखेंगे अच्छा होता जाएगा। फिर बात आती है माइनर की, तो माइनर टेस्ट देने जरूरी है, इसको बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, 100% दीजिए। हर 21 दिन में माइनर टेस्ट होगा, अभी आपके पास पूरा प्लान आ जाएगा कौन सी डेट पे कब होगा, अच्छे से दीजिए। छोटे छोटे टारगेट बनाइए कि इस माइनर में जो सिलेबस आ रहा है ये मेरा सिलेबस है, अब इसके पीछे भागना है। सिलेबस हम पहले से बता देंगे आपको, अगले 10 दिन में बता देंगे, ताकि आप आगे से आगे तैयारी कर सके। हो सकता है बॉटनी जूलॉजी का जो टॉपिक आ रहा हो आपको अच्छे से आता हो, भाई उसकी तैयारी करके रख लो। बेसिक मैथ वेक्टर आएगा, ईएलपी मिलेगी, कूलम्स की मिलेगी, आपको अच्छे से आता है, आप आगे से आगे सॉल्व करके चालू कर दीजिए। रोज पढ़िए, रोज पढ़ेंगे तभी हम बीट कर पाएंगे। बोलो सही बात है क्या? चलो अब क्लास नोट शुरू करते हैं, पढ़ाई निकालिए, है समय है, चलो आधा घंटा है अभी। शॉर्ट नोट की चर्चा कर लेते हैं। चलो भाई, एक बालक ने कहा सर शॉर्ट नोट ये क्या है? अब ये एक ना इतनी जबरदस्त और पावरफुल चीज है जिसको क्या ना आप लोग यूज नहीं कर पाए या बनाना नहीं जानते या नहीं आपने अंत में देखा होगा कि ना रिवीजन करने के लिए फॉर्मूले चाहिए। आप 6-6, 8-8 रजिस्टर अंत में रिवाइज नहीं कर सकते, पर आप शॉर्ट नोट कैसे बनाते हैं? मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ा दिया मॉडर्न फिजिक्स, इसके शॉर्ट नोट बनाओ। आप क्या करेंगे, सारे सारे फॉर्मूले एक साथ लिख के ले आएंगे, सर ये शॉर्ट नोट हो गए। वास्तव में शॉर्ट नोट ये नहीं होते। शॉर्ट नोट ऐसी पावरफुल टेक्निक है भाई कि जो आपको एक दिन में पूरी फिजिक्स का रिवाइज करने की ताकत रखती है, एक ही दिन में पूरी की पूरी फिजिक्स। कैसे बनाते हैं मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा, आइडिया भी दे सकता हूं कि पहले बात तो ये पूरा चैप्टर होने के बाद पहला पूरा मॉड्यूल पढ़ने के सॉल्व करने के बाद बनता है। कारण क्या है? जब आप पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं, पूरा मॉड्यूल सॉल्व कर लेते हैं, तब आपको आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन की वैरायटी क्या है, कहां कहां मैं फंस रहा हूं। अब जब शॉर्ट नोट बनाए जाएंगे, मान लो मैंने कूलम्स लॉ बनाया, तो कूलम्स लॉ की मुझे सारी बेसिक प्रॉपर्टीज, उसके अंदर कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, सारे पॉइंट्स आएंगे, हर तरह का कॉन्सेप्ट, हर तरह की ट्रिक, हर तरह की ऐसी बात जिस पे सवाल पूछा गया है, वो सारी बातें उसमें लिखी जाती हैं। एक चैप्टर का मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको पता चलेगा कि मुझे किस तरह से बनाने हैं, पर बनाने बहुत जरूरी है। आपके पास अंत में क्या होगा पता है? 40 पेज मुश्किल से इलेक्ट्रो के मैंने बनाए, 4 पेज में पूरा इलेक्ट्रो बन गया। मुझे पढ़ाने में लगेंगे 24-28 लेक्चर, 26-27 लेक्चर तो अलॉटेड ही हैं, तो उससे 2 लेक्चर पहले करा दूंगा, 24 लेक्चर में पढ़ा दूंगा। पर 24 लेक्चर का काम सिर्फ कितने पेज में आ जाएगा भाई? 4 पेज। 24 लेक्चर रिवीजन करना भी तो संभव है, पर अप्रैल में संभव? वो 4 पेज ऐसे जबरदस्त 4 पेज हैं, आप उनको अभी पढ़ लो, आप पूरा पूरा मॉड्यूल सॉल्व कर सकते हो। पर उनको बनाने का तरीका क्या है वो जब पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे तब मैं आपके सामने इसी पे दिखाऊंगा बनाए हुए कि देख इस तरह से एक चैप्टर के शॉर्ट नोट बनाए जा सकते हैं, और धीरे धीरे उसको आप बनाते जाइए। और ध्यान रखिए कब बनाना है? पूरा चैप्टर होने के बाद, पूरा मॉड्यूल सॉल्व करने के बाद, तब आपके बैक ऑफ दिमाग में आ जाता है कि हाँ यार कौन कौन सी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, कहाँ ज्यादा एम्फेसिस दिया जाना है। बोलो क्लियर है बात? चले आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं। लिखिए, आज थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि आज का दिन बढ़िया है, सोमवार का दिन है। चलो तो नए रजिस्टर लेके आना, एक तो पुरानी कॉपी में कोई नहीं लिखेगा, ध्यान रख लेना, बिल्कुल फ्रेश चाहिए रजिस्टर, कोई पुराना। सर मेरा पिछली बार का आधा भरा हुआ रह गया था, इसी में मैं लग तो ध्यान रखना जूते मारूंगा पकड़ के, एकदम नया रजिस्टर चाहिए, बढ़िया है ना। सब जगह पैसा खर्च कर लेते हो, कॉपी ऐसी लाओगे छांट के यहां 10 रुपए बच जाए, ऐसा नहीं करें। चलिए साहब हेडिंग डालिए इलेक्ट्रोस्टैटिक,
आसान चैप्टर। अगर हम नीट की बात करते हैं, आपने खुद ने ही देख लिया कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं पिछले 3 साल में, 3 क्वेश्चन पर ईयर, 3 क्वेश्चन पर ईयर, बड़ा चैप्टर है। इलेक्ट्रोस्टैट्स एनसीईआरटी में 2 चैप्टर में है, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, 2 के साथ कैपेसिटेंस भी दे रखा है। बात करते हैं छोटी सी बात, स्टैटिक का मतलब चार्ज रुका हुआ है, तो स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। पूरे चैप्टर में आप चार्ज का जो इंटरेक्शन पढ़ेंगे वो चार्जेस किस में रहेंगे, रेस्ट में, इसलिए कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। सबसे पहली बात करते हैं, जो बिल्कुल 10वीं क्लास है वो बात करते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी सबसे पुराना एक्सपेरिमेंट है, आपने पढ़ा भी है। जब भी दो ऑब्जेक्ट्स को रगड़ा जाता है, अगर एक फेमस एक्सपेरिमेंट की बात करें तो एक ग्लास रॉड को किसके साथ रब किया गया, सिल्क क्लोथ के साथ रबिंग की गई, तो पता है क्या हुआ, कुछ इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से निकलकर किसमें शिफ्ट हो गए, सिल्क में, और इलेक्ट्रॉन का रिमूवल बचपन से याद करिए, खूब सिखाते हैं। जैसे कोई न्यूट्रल बॉडी है, चार्जिंग के 2 ही तरीके होते हैं, या तो आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दो, सोचो आपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिए, बताओ कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। एक बार यही सवाल आ गया, बताइए जब हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो बॉडी का मास कम हो जाता है या बढ़ जाता है, कोशिश करके बताइए क्या होता होगा, कम होता है, क्यों, बॉडी में से क्या निकाल लिए, इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, इसका मतलब मास डिक्रीजेस। और अगर आपने बॉडी को इलेक्ट्रॉन दे दिए, ये न्यूट्रल बॉडी है और आपने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो बताओ कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। मास बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा, लिख लीजिए, छोटे छोटे पॉइंट है, मास इंक्रीजेस। क्यों मास क्यों इंक्रीज हो गया बताइए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को आपने ऐड किया है। तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, चार्जिंग के 2 ही तरीके होते हैं, या तो आप बॉडी में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे या बॉडी में इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे। तो जब आप ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रबिंग करते हो तो ग्लास रॉड के कुछ इलेक्ट्रॉन किसमें शिफ्ट हो जाते हैं, सिल्क में। प्रश्न पैदा होता है, सर ग्लास रॉड में से क्यों है, सिल्क में से क्यों नहीं हो गए, किसी दूसरी रॉड को वुलन के साथ करेंगे, तो क्या मैं बता सकता हूं, इसका सीधा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, पढ़ाया आपने आईओसी में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या कहती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब जिसकी इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा ज्यादा है या देने की, सोच के बताइए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत, टेंडेंसी। तो सारा का सारा खेल किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर। तो एक फेमस एक्सपेरिमेंट है कि जब ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया जाता है तो ग्लास रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन किसमें शिफ्ट हो गए भाई, सिल्क में, तो बताओ ग्लास रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, ग्लास रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड सिल्क क्लॉथ बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। और मजे की बात ध्यान से देखिए, बढ़िया कॉन्सेप्ट, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस कैसे पैदा होते हैं, इक्वल एंड, पूछो क्यों, इक्वल एंड अपोजिट क्यों, आप महसूस करिए, अगर 10 इलेक्ट्रॉन इसने लूज करे तो सिल्क के पास कितने गए, 10 ही तो इलेक्ट्रॉन गए। एक छोटा सवाल, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस कैसे पैदा होंगे, इक्वल एंड अपोजिट। और दूसरा, बॉडी को चार्ज करने पर उसका मास बढ़ता है या कम होता है, आंसर है बढ़ भी सकता है, और सिर्फ यही सवाल आ गया, ऑन चार्जिंग द बॉडी, पहला ऑप्शन मास इंक्रीजेस डिक्रीजेस, में इंक्रीज में डिक्रीज, ये देखिए सामने है, आपको बोलना पड़ेगा कि अगर बॉडी पॉजिटिव चार्ज हुई तो पक्का पक्का उसका मास डिक्रीज हो गया, और अगर बॉडी नेगेटिव चार्ज हुई तो उसका मास इंक्रीज हो गया। एक सवाल आया हुआ है, ऑन चार्जिंग द बॉडी मास का क्या होगा, आंसर है मास में इंक्रीज में डिक्रीज,
ये डिपेंड इस बात पे करेगा कि आपने पॉजिटिव चार्ज किया है या नेगेटिव। बोलिए, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्लियर है क्या? दो छोटे सवाल। पहला छोटा सवाल, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस कैसे पैदा होते हैं? आंसर है इक्वल एंड अपोजिट। ऑन चार्जिंग द बॉडी मास का क्या होगा? मास में इंक्रीज। में नीचे लिख लीजिए, ऑन चार्जिंग द बॉडी, ऑन चार्जिंग द बॉडी मास ऑफ द बॉडी में इंक्रीज में डिक्रीज। बोलो क्लियर है क्या? इसको बॉक्स में डाल लो। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में कैसे चार्ज पैदा होते हैं? इक्वल एंड अपोजिट। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों, नीरज, प्रकाश, विवेक, आदित्य, सत्यम, रोहित, आयुष, सुरेंद्र, तासिफ, दृष्टि, मनीष, मौनवीर, अंश, आनंद, रितिका, मनीष, पौने 300 बच्चे ऑनलाइन है, सही है, फैजल, राकेश, चलो सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, आ जाओ। तो फ्रिक्शनल में क्या हो गया? चार्जेस कैसे पैदा हो रहे हैं? इक्वल एंड अपोजिट। कैसे पैदा हो रहे हैं भाई? इक्वल एंड, कैमरामैन, इक्वल एंड अपोजिट। बहुत बढ़िया, क्या सही है क्या? मास ऑफ द बॉडी में इंक्रीज में डिक्रीज। चलिए साहब, अब आते हैं जो पूरे चैप्टर का खिलाड़ी है, चार्ज। चार्ज डेफिनेशन, परिभाषा से हमें अब लेना देना नहीं है बहुत ज्यादा, सीधा सीधा हमें कॉन्सेप्ट आना चाहिए और उस पर बेस न्यूमेरिकल आने चाहिए। प्रॉपर्टी पे बात करें तो सबसे फेमस प्रॉपर्टी है जिस पे न्यूमेरिकल बनता है, वो होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, डिस्क्रीट वैल्यूज। अभी क्वांटाइजेशन क्या होता है सर? क्वांटाइजेशन, कोई भी क्वांटिटी को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को क्वांटाइज होना है तो दो बातें होनी जरूरी है। पहला, एक तो उसकी कुछ ना कुछ एक मिनिमम सर्टेन वैल्यू होनी चाहिए। वापस सुनिए, क्या होनी चाहिए? मिनिमम सर्टेन वैल्यू। उस मिनिमम वैल्यू को बोलते हैं क्वांटा। क्या बोलते हैं? इसको मॉडर्न फिजिक्स से जोड़ दो तो मजा आ जाएगा कि जब लाइट आती है और किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है तो लाइट अपनी ऊर्जा मैटर को पैकेट्स के रूप में ट्रांसफर करती है। जो सबसे छोटा पैकेट होता है ना भाई, उसे बोलते हैं क्वांटा, जिसे हम कहते हैं फोटोन। एनर्जी ऑफ ईच फोटोन ई बराबर एच न्यू। तो क्वांटाइजेशन का जनरल कॉन्सेप्ट क्या है? दुनिया में अगर किसी क्वांटिटी को क्वांटाइज होना है, पहली शर्त, उसकी एक मिनिमम सर्टेन वैल्यू होनी चाहिए। चार्ज के केस में याद है आपको कितनी है? याद करो, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू 1.6 इनटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है, ये सबसे मिनिमम वैल्यू है 1.6 इनटू 10 की पावर माइनस। अब किसी भी बॉडी पे चार्ज होगा वो हमेशा इसका कैसा मल्टीपल होगा? इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीजर का मल्टीपल। डेसिमल नहीं चलेगा, फ्रैक्शन नहीं चलेगा, पॉइंट नहीं चलेगा। कैसा मल्टीपल चाहिए? इंटीजर मल्टीपल। अगर ये दोनों बातों को फॉलो करता है तो भैया वो क्वांटिटी क्या है? क्वांटाइज। आइए फिर से सुनिए। पहला, सर किसी भी क्वांटिटी को क्वांटाइज होने के लिए क्या क्या शर्तें? पहला बोलिए, उसके पास एक मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होनी। अब जो भी होगा वो हमेशा इसका क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल। कैसा मल्टीपल? इंटीग्रल मल्टीपल। तो बताइए, टोटल चार्ज, नीचे लिखिएगा, टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी, बताइए क्या होगा? क्यू बराबर एन ई।
क्यू बराबर एन ई, ई तो स्टैंडर्ड है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और एन हमेशा क्या होगा इंटीग्रल मल्टीपल, उदाहरण के तौर पर 1, 2, 3, 4 प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो दो तीन प्रश्न आपको इस पे मिलेंगे कि भैया कौन सा चार्ज पॉसिबल है कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है। सीधा चेक करिए q बराबर एनी, n n केवल इंटीजर होना चाहिए, n फ्रैक्शन में नहीं चलेगा, n डेसिमल में नहीं चलेगा, केवल और केवल एक ही सोच, n कैसा होना चाहिए इंटीजर, अ सेट ऑफ इंटीजर होना चाहिए। आइए क्वांटाइजेशन को फिर से समझते हैं। क्वांटाइजेशन क्या है, किसी भी अगर क्वांटिटी को क्वांटाइज बोलना है तो उसकी एक मिनिमम सर्टेन वैल्यू होनी चाहिए, और अब किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो इसका क्या होगा इंटीग्रल मल्टीपल। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, नेक्स्ट करूं क्या, जल्दी आइए। जैसे मैंने आपको बोल दिया बताओ क्या 3.2 इन 10 की पावर माइनस 20 पॉसिबल और नॉट। अब मुझे नहीं पता चल रहा, वैसे तो मैं सोच के बता सकता हूं यार माइनस 20 तो माइनस 19 से भी छोटा हो गया, पर मैं नहीं सोच पा रहा, कोई टेंशन नहीं है, सीधा लगाइए q बराबर एनी, बेस्ट तरीका q 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 20, एन पता नहीं, ई रटा हुआ है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90, ये कटा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 20 अपॉन 10 की पावर माइनस 19, तो 2 इंटू माइनस 20 और ये प्लस 19, तो ये क्या देगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 1 बोले तो 2/10, एन बराबर 1/5, फ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, नॉट अलाउड। इसका मतलब ये चार्ज किसी बॉडी पर पॉसिबल नहीं। ये चार्ज किसी बॉडी पे पॉसिबल नहीं है। तो आपको दो तीन सवाल मिलेंगे कि चेक करो ये चार्ज पॉसिबल है नहीं है, कोई टेंशन नहीं, बिंदास क्या चेक करिए q बराबर n, q बराबर n, हाइब्रिड मॉडल है, सारी क्लासें डे वन से रिकॉर्ड हो रही हैं, कैमरा लगा हुआ है, बढ़िया शानदार, आपकी सारी क्लास है आपकी मोबाइल ऐप पर दिखेंगी, आज से ही आपका जो अनएकेडमी का मोबाइल ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, सारी क्लासेस वहां दिखेंगी, आप कभी भी रिवाइज कर सकते हैं, कोई टॉपिक आपको कठिन लगा क्लास में दो बार में समझ में नहीं आया आप उसको देखिए, पर उसको तभी यूज करिए जब आपको रिविजन करना है। मान लो आप अटक गए किसी सवाल में, नोट्स रिवाइज कर रहे हैं आपको नहीं समझ में आ रहा, तब आप उसको देख सकते हैं, आप रेगुलर बेसिस पे उसमें देखेंगे उससे ज्यादा बेहतर हम क्या कर लेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये एक सुविधा के लिए है, मेडिकल इमरजेंसी हो गई, दो दिन तीन दिन क्लास अटेंड नहीं कर पाए, घर बैठ के आप क्लास अटेंड कर सकते हैं, पर वो सिर्फ ऑफ एंड ऑन मेडिकल इमरजेंसी में यूज करिए, बाकी तो ऑफलाइन अपने आएंगे रोज इंटरेक्ट करेंगे तभी काम अच्छा चले। बोले क्लियर है क्या। तो ये कौन सी हो गई साहब, कंजर्वेशन, पहली प्रॉपर्टी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, नहीं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चलिए दूसरे लिखिए, दूसरा कंजर्वेशन, तो ये छोटे बच्चों वाली प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन, सभी बच्चों ने जानते हैं कि टोटल चार्ज ऑफ यूनिवर्स या आइसोलेटेड सिस्टम हमेशा क्या रहता है कंजर्व। चार्ज को ना तो पैदा किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, केवल चार्जेस को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। पूरे यूनिवर्स का टोटल चार्ज कैसा है
कांस्टेंट है, केवल ट्रांसफर हो रहा है, एक बॉडी नेगेटिव चार्ज हो रही है तो दूसरी बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो रही है, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एस सी वर्मा का ये ऑब्जेक्टिव का सवाल है, टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स ये हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, चार्ज केवल ट्रांसफर किया जा सकता है, नष्ट या पैदा नहीं किया जा सकता। अगर आगे की बात करें तो तीसरी प्रॉपर्टी होती है साहब सबसे इंपॉर्टेंट, चार्ज इज इनवेरिएंट। इस पे एक बार क्वेश्चन एम्स में आया हुआ है, चार्ज इज इनवेरिएंट, ये क्या मतलब होता है चार्ज इज इनवेरिएंट। मजे की बात है जो मास होता है ना बच्चों वो स्पीड पर डिपेंड करता है। जब मॉडर्न आप पढ़ोगे या आपने कभी 11वीं 12वीं ये डरावना फॉर्मूला देखा हो, m बराबर m नॉट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, जहां पर m नॉट बताता है आपको रेस्ट मास। अगर कोई पार्टिकल आप और मेरे केस में तो ये ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, कारण क्या है हमारी स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल में बहुत कम है, तो हमारा मूविंग मास और रेस्ट मास दोनों बराबर है। पर अगर पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल में मूव करे 1/10 1/20 1/50 तो उसका रेस्ट मास अलग होता है और मूविंग मास अलग होता है। ये किसका खेल है, मास का। चार्ज इस बात पर डिपेंड नहीं करता, इनवेरिएंट। इसका मतलब कोई चार्ज कितनी भी स्पीड से चले, कम स्पीड से ज्यादा स्पीड से, स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल भी चले, उसका चार्ज कभी चेंज नहीं होगा। मास तो स्पीड डिपेंडेंट है पर चार्ज रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए कहा जाता है चार्ज इज इनवेरिएंट। हाँ मास डिपेंड करता है पर चार्ज डिपेंड नहीं करता, चार्ज हमेशा कैसा रहता है, इनवेरिएंट। वो कहेगा एन इलेक्ट्रॉन मूव्स विद द स्पीड ऑफ सी बाय 100, बताइए क्या इसका चार्ज वेरी करेगा क्या। आंसर है चार्ज वेरी नहीं करेगा। क्या मास वेरी करेगा क्या, हाँ मास वेरी करेगा, क्योंकि मास इस फॉर्मूले से गवर्न होता है, चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आइए इस बात को धीरे धीरे फिर सुनते हैं। इसे कहा जाता है इनवेरिएंस प्रॉपर्टी, इसका मतलब होता है चार्ज रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता है। अगर मास की बात की जाए जो हम मॉडर्न फिजिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे, वहां तो बच्चों जो मास होता है वो स्पीड डिपेंडेंट होता है, परंतु चार्ज इस बात पर डिपेंड नहीं करता। तो प्रश्न आया हुआ है एन इलेक्ट्रॉन मूव विद द स्पीड ऑफ सी बाय 100, क्या उसके चार्ज पे कोई प्रभाव पड़ेगा। आंसर है उसके चार्ज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर है, लास्ट बेंच तक विजिबल है भैया, दिख रहा है साफ। चलिए साहब यहां क्लास को खत्म करते हैं। तो आज मोर ऑर लेस क्लास तो 15 मिनट मैंने आपको पढ़ाया, आपको मैंने सिर्फ ये देख बताया कि देख अच्छे से पढ़ाई करनी है और पेपर बहुत आसान आता है, और ऐसा नहीं है कि तुक्के से आसान आया है, हर साल ही ऐसा आता है। बस हमें कोई एक सोर्स पकड़ लेना है, मल्टीपल सोर्स पे काम नहीं करना है, और उस सोर्स को इतनी बार अच्छे से रिवाइज कर लेना है कि हमारे कॉन्सेप्ट हमारे फंडामेंटल स्ट्रांग होते जाए। और आज के बाद अब पुरानी बातों को नहीं सोचना है, पुरानी बातों पर विचार नहीं करना है, जितनी बार हम उसको सोचेंगे हम परेशान होंगे, बिल्कुल दिमाग में सोचना बंद कर दीजिए। जब भी विचार आए सीधा MBBS सोचना है, सीधा अच्छा कॉलेज के बारे में बात कर, ठीक है। चलिए सर तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आज आपका पहला दिन है और इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहें और अच्छे कॉलेज की तरफ बढ़ें।